लंच हो गया है, अभी निकलेंगे हम लोग। लंच में लिए थे राइस, मिक्स्ड वेज, दाल फ्राई और चिकन कढ़ाई। खाना बढ़िया था, तो हमने सोचा कि अगर रात को डिनर करने का यहाँ प्लान हुआ तो आ सकते हैं। यहाँ ये लगभग हमारे होटल से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कि अगर मन करता है तो यहाँ आएंगे, नहीं तो वहीं पे खा लेंगे। इनका नंबर ले लिए हैं, तो ये 10 बजे तक खुला रहता है रात को। देखते हैं कहाँ पे खाते हैं, आप लोगों को तो पता चलेगा। अभी चांडिल डैम की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं सब। अंदर घुस जाओ जहाँ जो गेट मिले, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं चांडिल डैम की तरफ, क्या दिखता है देखते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत आ रहा है नज़ारा, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ब्लू वाटर, पीछे माउंटेन्स। ये सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, चलो सीढ़ी चढ़ते हैं। पीछे सब लोग आ रहे हैं। ये सीढ़ी बहुत ज्यादा स्टीफ, गिरोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, बहुत स्टीफ। चलो मेरा तो पीछे देख के पैर कांपने लगा, पता नहीं उतरते वक्त क्या होगा, आई डोंट नो। क्या हो ऊपर आ तो गए, लेकिन नीचे उतरते वक्त फटने वाली है, समझ गया मैं एक बार पीछे देख के। इट इज डैम स्टीप, व्यू तो जबरदस्त आ रहा है, उसको लेके कोई संदेह नहीं है।
उसका फोर्स देखो। और वो बंदा वहां पे मछली पकड़ रहा है ट्यूब में बैठ के। चांडिल डैम में तो आ गए, सीढ़ी से चढ़ तो गए पर उतरते टाइम क्या होगा पता नहीं। यहाँ का व्यू जबरदस्त है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? इतना व्यू अच्छा है, इधर व्यू बहुत अच्छा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, दिल भर गया। भूसर्ग तो लेह लद्दाख में मिलेगा ना। अरे इधर है, इधर भी हर जगह है सर। हम तो इधर चौके तुलसी वाले देख के सो न जाता है। कॉमन बात है, बोले दिसे ये बड़ी लैंगन डालिंग है। हम लोग के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। और सबसे पहले उठ के आया, सबसे पहले लैंगन मतंगनी से उठ के आया। हम तो ताज्जुब बन गए, पापा ताज्जुब बन गए। और मैं पैदल जा नहीं रहा। बड़े साथ ये वाला जगह उतना भी स्टीप नहीं है। बहुत डर लग रहा है, एक बार गिरा तो खत्म। ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ मैं। और तीन स्टेप। एक बार इनका हालत देखो। आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? बहुत खतरनाक सीढ़ी है ये सीढ़ी, चढ़ना भी मुश्किल उतारना भी मुश्किल। पहले तो आप बोले थे कि ये आसान होगा। हम सोचे थे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं, जो बोला था वो अलग बात है, उतारना बहुत मुश्किल है। मैं तो पहले वो सोचना नहीं था, हम सोचे थे जो ऐसा हो जाएगा इजी, लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत ही ज्यादा स्टीप है। जिसका पैर में प्रॉब्लम हो उसका के लिए तो और पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सीढ़ी उठा मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाथू काट के हाथ में रख दिया है। बहुत अच्छे से देखा,
चौक में था, चौक में चश्मा, माथा में सनग्लास है। थैंक यू शुभजीत गुप्ता। वेलकम वेलकम। अरे नेवे तो गेलो आ जुमे रोड ची माल किंतु हां तो आमी तो गेलो उत्तर बना। चलो सब सेफ एंड साउंड नीचे आ गए। हम लोग अभी डोमोहनी रिवर मिड पॉइंट के वहां पे आए हैं। चलो नीचे चल के देखते हैं क्या हालत है। यहाँ एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। हम लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क किए हैं। अभी पैसा दे दो पर मेरे को जितना दूर लग रहा है, ये वाला जो नदी है ये सुवर्णा रेखा और ये डोमोहनी, ये दोनों यहाँ पे आके मीट करके फिर यहाँ से सीधा जा रहे हैं। तो बेसिकली आज जो जो जमशेदपुर में देखना था हमने देख लिया। दौलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक था, वो हम लोग नहीं कवर कर पाए क्योंकि वो अभी मैं पहले ही पता किया था वो अभी बंद है कोविड के वजह से, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़े हैं। और बाकी जो हमने प्लान किया था वो सब हम कवर कर चुके हैं आज। तो अभी हम लोग अपने होटल की ओर चलेंगे, तो होटल में जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं रूम कैसा है एंड होटल कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा। मंदिर में क्या पूजा है? हम अभी अपने रूम में चेक इन किए हैं, तो आप लोग जरा रूम का एक टूर ले लो, मैं दिखाता हूँ। ये है दरवाजा, यहाँ से घुसते ही ये टेबल, ये बेड, डबल बेड, एक अलमीरा, यहाँ पे टीवी चल रहा है और
ये रहा। एसी तो टूटा हुआ है। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी साफ ही है, नॉट बैड। तो ये था हमारा रूम टूर। तो आज फर्स्ट डे, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल डे टू होगा और हम मुकुट मणिपुर की तरफ जाएंगे। तो कल आपसे मिलते हैं, बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, आपको और भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलो बाय, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय।